नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे हुए हैं, तो 4:30 बजे उठ गई थी मैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। मैंने क्या किया था कि रात को ना मैंने कटहल को फ्राई करके रख लिया था, क्योंकि कटहल में ना फ्राई होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर गैस तेज़ गैस पे फ्राई करो तो वो जलने का डर रहता है, तो कम गैस पे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मैंने कटहल को फ्राई करके रख दिया, और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल पहले से भी रखा था, थोड़ा सा और डाल दिया मैंने। तो हमारी मिक्सी ना हो गई है ख़राब, तो इसलिए अब मैं ये, वैसे तो मैं कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो ग्रेवी वाली बनाती हूँ, जैसे हम नॉर्मली पनीर वगैरह की सब्ज़ी बनाते हैं ना, ग्रेवी बना के, मतलब प्याज टमाटर मिक्सी में पीस के। तो आज जैसे कि मैंने बताया कि मिक्सी ख़राब हो गई है, तो आज मैं प्याज टमाटर कट करके बनाऊँगी ये सब्ज़ी। और तो यहाँ पे फटाफट मैं लगी हुई हूँ अपना काम निपटाने में, क्योंकि सुबह का टाइम ना ऐसे निकलता है कि पता ही नहीं चलता कब 8 बज जाते हैं, और 8 बजे तक सारा काम कंप्लीट करना होता है। तो मतलब ये होता है कि जितनी भी एनर्जी है ना, पूरी एनर्जी लगा के स्पीड, जितनी भी स्पीड है सारी स्पीड में काम निपटाना शुरू कर देती हूँ मैं। तो आज मुझे कपड़े नहीं धोने हैं, क्योंकि कपड़े मैं धोऊँगी बुधवार को, कल धोऊँगी कपड़े, तो इसलिए आज थोड़ा आराम से हो सकता है काम। लेकिन जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना, उस दिन फुल स्पीड से करती हूँ मैं यहाँ पर काम। तो मेरा तेल हो चुका है यहाँ पर गर्म, तो मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है, और मैंने लिया है ना यहाँ पे जो हल्दी है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो हल्दी मैंने यहाँ पे मसालदानी में डाल ली है। और मतलब घर के काम ना, आप जितनी मतलब जितने काम करो फिर भी ऐसे लगता है ना कुछ रह ही गया, कुछ ना कुछ रह ही गया, मतलब कुछ ना कुछ निकल ही आता है। जैसे कि अभी सर्दियों के कपड़े मतलब मैंने डाले नहीं हैं, ऐसे ही फैले हुए हैं, गर्मियों के निकालने हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं। अब छुट्टी होती है एक दिन की संडे की, तो उसमें सब कुछ नहीं हो पाता है। तो अब देखती हूँ इस संडे को यही काम निपटाऊँगी मैं। आपने सर्दियों के कपड़े रखे हैं अभी या नहीं रखे हैं? तो ये देखिए, ये कटहल मैंने फ्राई कर दिया था रात को, ये मैं दिखा रही थी। तो आपने जैसे कि मैं पूछ रही थी कि आपने सर्दियों के कपड़े रखे हैं या अभी निकाल रखे हैं, क्योंकि मौसम का तो अभी कुछ पता नहीं है, अगर बारिश हो गई तो फिर से ठंड पड़ने लग जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ बाकी के कपड़े तो डाल ही देती हूँ, अगर निकालने होंगे तो बेड में ही तो रखते हैं, फटाफट बेड उठा के निकाल लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो यहाँ पर मैं कूट रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट बना रही हूँ। और जैसे कि मैं बता रही थी कि रात को तो मतलब होती है ठंड हल्की फुल्की, लेकिन दिन में भी पता नहीं क्यों मुझे तो ठंड लगती है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, लेकिन अंदर कमरों में हल्की हल्की सी ठंड लगती है। तो बाकी देखते हैं अब, अगर इस संडे की छुट्टी मतलब संडे को छुट्टी है, वैसे तो होती है अगर कभी कभी ना स्कूल में बुला लेते हैं, तो नहीं गई तो मैं यही काम निपटाने वाली हूँ संडे को। और आज नाश्ते में मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली, आज नाश्ते में हम कटहल की सब्ज़ी हम तो खा लेंगे, एक रोटी ले लेंगे, और बच्चों के लिए बना दूंगी मैं नमक मिर्च के पराठे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि मतलब नाश्ता, कभी कभी ये कर देती हूँ मैं कि जैसे नीचे पापा मम्मी का खाना बनाना होता है ना, तो उसमें फिर नाश्ता बनाना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ नाश्ते में, क्योंकि उसमें फिर रोटी कम बनानी पड़ जाती है, तो ये होता है। और आज तो मैं कुछ नहीं बनाने वाली, सिर्फ बच्चों के लिए 2 पराठे बना लूँगी नमक मिर्च के, और हम खा लेंगे रोटी। तो ऐसे ही फटाफट काम, मतलब ये होता है ना कि जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ तो उस दिन मैं सीढ़ियों से बाहर से इधर उधर से पोछा नहीं लगाती हूँ, और जिस दिन कपड़े आज जैसे नहीं धोने तो मुझे सीढ़ियाँ भी साफ़ करनी है, और बाहर से मतलब बालकनी वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ करनी है, और पौधों में पानी वगैरह भी डालना है, तो उसमें टाइम निकल जाएगा उतना मेरा जितना कपड़ों का टाइम लगता है, तो वही टाइम हो जाता है। मतलब आप जितनी भी जल्दी कर लो ना काम, अगर आपका काम कम है तो आप उतनी धीरे से काम करते हैं, तो वही टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और अब तो दिन भी थोड़े सही हो गए, मतलब 6 बजे उजाला हो जाता है फुल। और ये देखिए मेरी कटहल की सब्जी इस तरीके से बनके हो चुकी है तैयार, दिखने में ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लग रही है, मेरी बहुत ही फेवरेट है कटहल की सब्जी। आपको कैसी लगती है कटहल की सब्जी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ नाश्ते के लिए, ये देखिए
बहुत टेस्टी लग रही है। ये ले लेती हूँ मैं एक रोटी अपने लिए और ये इनके लिए, और ये बच्चों के लिए बना दिए थे मैंने जैसा कि बोला नमक मिर्च के पराठे, तो ये ले लेंगे एक एक पराठा। और ये दो रोटी इनके लिए मैंने अपने लिए ली है, एक रोटी सिर्फ। तो इनको उठा के यहाँ पे बिठा दिया है, दोनों मुरली बन के बैठ गए हैं और ये शिवाय को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शिवाय हंस ही नहीं रहा, घुग्गू बन के बैठा हुआ है। अभी टाइम हो रहा है शाम, मतलब रात के लगा लो 8:15 हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ अपने रात के डिनर की तैयारी करने में, मतलब हो ही चुकी है कंप्लीट, बस अब बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, उनको बुलाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रोटी बना ली है और सब्जी में मैंने बनाया है, अभी दिखाती हूँ आपको कैमरा बैक कर। ये देखिए सब्जी में मैंने बनाया है, आपको आवाज़ मेरी कम सुनाई दे रही होगी, चिमनी चल रही है एक्चुअली। तो ये देखिए मैंने बनाई है पालक और पनीर, पनीर इसके अंदर तो जैसे गायब हो गया, पूरा पैकेट डाला था इसमें। तो ये पालक पनीर बनाया है मैंने, तो ये अब भी काम आ जाएगा और सुबह मैं लंच भी ले जाऊंगी, तो इसलिए अभी बना दिया है। और जैसा कि पापा मम्मी रात की सब्जी नहीं खाते हैं सुबह, वो तो उनके लिए मैंने यहाँ पे अलग से सब्जी कट कर रखी है जो कि सुबह बनाऊंगी। वो है ये देखिए भिंडी की सब्जी, ये मैं बनाने वाली हूँ सुबह उनके लिए। अभी अपने लिए हमने पालक पनीर बनाया है, हम नीचे भी दे देंगे और सुबह मैं लंच भी ले जाऊंगी, और बच्चे भिंडी की सब्जी भी हो जाएगी और पालक पनीर भी जो बचेगा वो भी दिन में जो इनको खाना होगा, क्योंकि छुट्टियां तो चल ही रही हैं इनकी, जो इनको खाना होगा वो ये खा लेंगे। पानी निकल रहा है टेप में से। तो अभी हमारा सारा काम हो चुका है कंप्लीट, सुबह उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वो व्लॉग को लाइक और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ।